भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी वालों अज फाजिलका के वख-वख बाजारां विच भाजपा के मंत्री के खिलाफ रोस मार्च कढ़िया गया जो लखीमपुर खीरी के विच किसानां दी हत्या हुई सी अते एक पत्रकार नूं वी दरड़ दिता गया सी। उस दे विरोध विच किसानां वालों अज भारतीय जनता पार्टी के विरोध रोस मार्च कढ़िया गया जो रोस मार्च वख-वख बाजारां चों हुंदा होया स्थानक दाना मंडी विच भारतीय जनता पार्टी के फाजिलका तो सबका विधायक चौधरी सुरजीत कुमार जैनी ते सबका मंत्री पंजाब चौधरी सुरजीत जैनी के दफ्तर के अगे आ के भाजपा मंत्री का पुतला फूकया गया अते जम के नारेबाजी की गई जिथे बोलते किसान यूनियन क्रांतिकारी के आगुआ ने कहा कि किसानों को कुत्ता कहने वाले मंत्री के खिलाफ मोदी सरकार जब तक कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं करती ये संघर्ष इस तरह जारी रहेगा जेकर लोड़ पई तो यह संघर्ष को दोबारा एक वड्डे धरने के रूप में दिता जाएगा जो पंजाब के आगुआ वालों अगले हुक्म आएंगे उस खिलाफ बनती कार्रवाई भी की जाएगी। तो नारेबाजी करते हुए बीजेपी के खिलाफ जम के भड़ास कदी वख-वख आगुआ ने बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए होर की कुछ कहा अते मौके ते पुजे डीएसपी सरदार शुभेग सिंह ने की कहना है ये सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो अते साडी पूरी कवरेज वेखो। धरने तो बाद जो कि अजय मिश्रा जेड़ा राजगृह मंत्री है पिछे कुछ कुत्ते लगते हैं कुछ मर जाते हैं कुछ पिछे रह जाते हैं तो जीरो कट देना जीरो नहीं 778 लाख सारा हो रहा है एबीएन न्यूज एबीएन न्यूज एबीएन दो साल बयान हो किसी के साल वो चूड़े होगा असं जरा पूरा हक मोड़ा गे तो हूँ जी अभी अंतिम यात्रा और बीजेपी का जरा अजय मिश्रा उन्होंने तो पुतला फूकया जाना है मोदी जोगी मुर्दाबाद अजय मिश्रा मुर्दाबाद दर्शन करने बाकी सुरक्षा की गल की जाए किस तरह के इंतजाम की कहना है जी अज्ज दे प्रदर्शन लैके क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है देखो जी ये जिहड़ा प्रदर्शन है असीं इसलिए कर रहे हैं कि जो किसान तीन काले कानून थोपे गए उस समय जदों के दिल्ली दियां बरूहां ते चाहे वह टिकरी बार्डर से गाजियाबाद बार्डर से चाहे वह सिंघू बार्डर से उत्थे संघर्ष चल रहा सी तां अजय मिश्रा टोनी के लड़के ने लखीमपुर खीरी के विच आपकी गड्डी चढ़ा के साजिश तहत चार किसान ते एक पत्रकार शहीद करता चार किसान जिहड़े कि बिना मतलब तो जेल में बंद करते उहदे वजह दे विच 17 तरीक तो लैके 21 तरीक तक लखीमपुर खीरी दे विच 72 घंटे का संयुक्त किसान मोर्चे वालों प्रोग्राम दिता जा रहा सी पर जदों प्रोग्राम खत्म हो गया किसान पंजाब दे वापस आ गए उस तो बाद विजय मिश्रा टोंडी जिहड़ा किसानां नूं कुत्ते बोल के सददा आ कि कहिंदा कि इस तरह के कुत्ते जदों कि गड्डी कोई चलती है उहदे विच मर जांदे उहदे रोस वजों असीं अज क्रांतिकारी किसान यूनियन वालों ये अजय मिश्रा की टोनी की जी कि अर्थी फूक रहे हैं तो मंग कर रहे हैं कि जोड़े वो चार किसान तो एक पत्रकार धरने तहत जो धरना चल रहा शहीद किए गए उन्होंने बनती कार्रवाई जी सरकार थानला फूक ये मतलब बीजेपी का आगू है सुरजीत कुमार जैनी जो कि साढ़े पंजाब बॉडी का फैसला है कि सारे पंजाब के जोड़े कि बीजेपी के आगू ने उन्होंने दफ्तर मूहे जरा कि धरना देना उसकी वजह से धरना मीत प्रधान रेशम मिड्डा जी दस चुके ने असि जो अज रोस मार्च किया है फाजिलका दाना मंडी के गेट तो लैके
ਬਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਹੋਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।